नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वहीं गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में पहुंचे हैं और वहां पर महाशिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया है। ये तस्वीर गोरखपुर से, जहाँ पर लगातार बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने रुद्र अभिषेक किया। वहीं फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि पर्व पर बता दें कि पांडेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और उनकी पत्नी, और इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य सौभाग्यवती राजपूत। बीजेपी सांसद ने अपनी पत्नी के साथ पांडेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना किया है। पहले से ही हम लोग को शिवरात्रि का गंगा स्नान करके और भगवान भोले के दर्शन करते जल चढ़ाते हैं, तो उसे आज शिव के रस है, तो इसलिए शिव के रस पर गंगा स्नान करके आप भगवान शिव का जल चढ़ाने आए हैं। और हर साल मंगल कामना करता हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ मंदिर में जल अभिषेक के लिए करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचने की उम्मीद है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही 50,000 से अधिक श्रद्धालु बता दें कि जल अभिषेक करने के लिए नीलकंठ के पहुंच चुके थे और इस दौरान जल अभिषेक करने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। ज्यादातर श्रद्धालु यूपी, दिल्ली और आसपास के राज्य से पहुंचे थे, जो अपने कंधे पर कांवड़ लेकर पैदल मार्ग से नीलकंठ आए थे। बम बम बोले और जय जय बता दे कि नीलकंठ महादेव के बता दे कि उद्य घोषों के बीच स्वर्ण आश्रम और नीलकंठ क्षेत्र में शिवमय हो गया था पूरा माहौल, और साथ ही सुरक्षा के दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात दिखी थी। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थी। हजारों शिव भक्त के पहुंचने से मेला क्षेत्र के व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। हम 10 लोग हैं, मेरा नाम संजय है, मोदी नगर से गाजियाबाद से आए हैं और 10 लोग हैं और कांवड़ यात्रा में नीलकंठ के दर्शन करने के लिए आए। नहीं, कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आए हैं, भोलेनाथ ने बुलाया तो हम दर्शन के लिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है। महाशिवरात्रि 18 तारीख मतलब 17 तारीख रात 12 बजे से लग जाएगी और 19 तारीख सुबह तक रहेगी। भक्तों का तांता तो अभी से शुरू हो चुका है 13-12 तारीख से और ये 19 तारीख तक चलेगा क्योंकि 19 तारीख को रविवार है, उस दिन भी काफी अच्छी संख्या में भक्त आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 2 से 2.5 लाख भक्त शिवरात्रि में जलाभिषेक करते हैं, इस साल हो सकता है शायद बढ़े क्योंकि कोविड के बाद से पहली बार पूरा ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि हर बार तो कुछ ना कुछ पाबंदियां रहती थी, इस बार ऐसी कोई पाबंदियां नहीं, हो सकता है भक्तों की संख्या इस बार अधिक रहे। शिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार में तमाम शिवालयों में शिव भक्त का तांता देखने को मिला है। आपको बता दें कि शिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि, आज के दिन भोले बाबा की बारात आई थी, ऐसे में माना जाता है कि इस दृष्टि से पहली बारात भोले बाबा की आई थी और पूर्व में ना ब्रह्मा जी और ना ही विष्णु जी की बारात गई थी, जिसको शिव भक्त एक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ऐसे माना जाता है कि आज के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र, जल इत्यादि को लेकर जो शिव भक्त सच्चे मन से शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर जी का जिस दिन विवाह हुआ था, इस सृष्टि का सबसे प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का हुआ था, उससे पूर्व सृष्टि में किसी की शादी विवाह नहीं हुआ था, न ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था न विष्णु जी का विवाह हुआ था। इस सृष्टि में सर्वप्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि कनखल में इसी स्थल पर हुआ था, इसलिए शिवरात्रि शिव विवाह रात्रि को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में उसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां पर भगवान शिव और सती का विवाह प्रथम विवाह हुआ था, इसलिए इस स्थान पर शिव विवाह रात्रि का विशेष महत्व है और दूर दूर से लोग भगवान शिव पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बुरा बेलपत्र, फल फूल इत्यादि जो भी श्रद्धानुसार यथोचित भगवान को अर्पित करते हैं और अपनी मनोविलासित
सितारगंज के उधम सिंह नगर के सितारगंज में शिव भक्तों के बता दें कि झारखंडेश्वर झाड़ी मंदिर के में बड़ा महत्व देखने को मिला है। शिव भक्त इसमें सोमवार के दिन जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही बता दें कि महादेव की पूजा अर्चना करते हुए दिखे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसमें बड़ा मेला भी लगता है और बता दें कि जिसको दूर दराज से आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने पहुँचते हैं, शिरकत करने पहुँचते हैं। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से शीश नवाकर इससे मन्नत मांगता है, देवाजी देव महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी में आसपास के घाटों में देखने को मिला। यहाँ पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हर की पौड़ी में और साथ ही बताइए कि फाल्गुनी मास के महाशिवरात्रि पर पंचपुरी के शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर भोले भक्तों का तांता। सूर्य की पहली किरणों के साथ ही लगना शुरू हो गया और बम बम भोले के जयकारों से मंदिरों में गुंजयमान होने वाला वातावरण सुनने को मिला है, भक्तिमय वातावरण देखने को मिला है। वही सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आई है और गोपनीय तरीके से पुलिस प्रशासन सभी मंदिरों में अपनी नजर बनाए हुए नजर आई। नीलकंठ महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल महाशिवरात्रि के मेले पर सुरक्षा बता दें कि सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दी है। जनपद पौड़ी के बता दें कि एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने आज मेला क्षेत्र को 3 जोन और 6 सेक्टर में विभाजन कर दिया। जोन की जिम्मेदारी सीओ स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है और जबकि सेक्टर की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा पूरा मेला क्षेत्र के 2 बता दें कि प्लांटून पीएससी और साथ ही 120 सिपाहियों की तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी ने लक्ष्मण झूला थाने में सभी पुलिसकर्मियों को शिव भक्तों के साथ मधुर व्यवहार और संयमित रूप से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल एसपी ने बताया है कि 17 फरवरी से 19 फरवरी तक भारी वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। आड़े तिरछे खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जाएगा। जो परसों 18 को हमारा मेन स्नान और मेन जलाभिषेक का दिन है उसको लेके आज हमारी ब्रीफिंग थी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर महाशिवरात्रि को होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि नीलकंठ मंदिर तक अपनी एक्सेस करे, तो उसको लेके आज हमने यहाँ पर ब्रीफिंग रखी थी। पूरे जो मेला क्षेत्र है हमारा उसको हमने 3 जोन जिसको डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर लीड करेंगे और 6 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। करीब 120 के आसपास हमारे कांस्टेबल सपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नानक मता में बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर गाय ने नंदी को जन्म दिया है। साथ ही बता दें कि हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है जहां गाय ने 6 पैर और 2 पूंछ वाले एक बछड़े को जन्म दिया है, जिसमें इलाके में नंदी को देखने के लिए तांता लगता हुआ नजर आया। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई भी हुई है। बच्चे दिन रात मेहनत से तैयारी कर रहे थे और इसके माता पिता इनकी तैयारी के लिए बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटा पाते हैं। वहीं पेपर लीक होने से सबके अरमानों पर पानी फिरा हुआ नजर आता है और अब इस तरह की चीजों में बता दें कि पुरान वृत्ति नहीं होगी और साथ ही सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देहरादून के युवाओं पर रात को किए गए लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था।
भारतीय जनता युवा मोर्चा नारायण बगड़ के मंडल के अध्यक्ष बनने पर वीरेंद्र भिष्ट के समर्थन में युवा मोर्चाओं ने कार्यकर्ताओं ने नारायण बगड़ बाजार में ढोल बता दें कि धमाऊ गाजे बाजे के साथ रैला निकालकर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। शुक्रवार को बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने पर वीरेंद्र भिष्ट के समर्थकों और साथी कार्यकर्ताओं ने नारायण बगड़ बाजार में गाजे बाजे के साथ रैली निकाली है। रैली के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में कई लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यता ग्रहण की है। और साथ ही वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, बीजेपी प्रतिनिधि दिलीप नेगी, सांसद प्रतिनिधि और साथ ही तमाम लोग मौजूद रहे हैं। और अभी मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और विश्वास किया और मेरे को एक मंडल अध्यक्ष का पद सौंपा है। और मैं सभी को उससे वो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे युवा मोर्चा और नारायणगढ़ युवा मोर्चा एक नाम और एक जुनून के साथ काम करेगी और सभी युवाओं का साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम पे जो भी है एक अपना काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हम इसमें भी युवाओं को बहुत आगे रखेंगे और साथ देंगे। युवाओं को कहीं से स्वरोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे, कहीं से लोन का हो किसी भी चीज़ में हम पूरा साथ देंगे युवाओं का। और मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला जज की अदालत ने सोमवार को 20 फरवरी को सुनवाई होगी। वही बता दें कि बता दें इस दौरान आरोपी पुलकित आर्य की बेल रजिस्टर होने की बाद अब आरोपी सौरभ ने एडीजे कोर्ट के बेल एप्लीकेशन लगाई है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। अंकिता के परिजनों की ओर से नियुक्त वकील अजय कुमार पंत ने कहा है कि आरोपियों की बेल के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की जाएगी। अंकिता भंडारी में अब अपर जिला जज कोटदार के यहाँ सौरभ की एक्चुअली सौरभ के बेल की सुनवाई है, उसमें हम सारे तथ्यों को रखेंगे और उस बेल का विरोध करेंगे। और बहुत हीनियस क्राइम है उसकी, जो अब तक जो उनके 164 के बयान हुए हैं गवाहों के और जिस तरह के जो घटना हुई है उन सबको मद्देनजर रखते हैं हम अपर जिला जज के यहाँ और साथ में मेरे जो शासकीय अधिवक्ता हैं जे एस रावत वो भी इसका जो विरोध करेंगे और समझौता माननीय न्यायालय इन सब तथ्यों को मदद रखते हुए उसके बेल पर सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परीक्षा बता दें कि परिणाम घोषित किया गया है जिसकी बता दें कि जानवी बहुगुणा ने प्रथम और साथ ही अंजलि कश्यप ने द्वितीय और विकास सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। स्कूल का नाम रोशन किया है। मौके पर सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह और नगद धनराशि देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। 10 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका शुभारंभ कॉलेज के ही प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और एक कंप्यूटर परीक्षण केंद्र के संचालक मुकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। हरिद्वार में सिडकुल स्थित दीप गंगा सोसाइटी में कमरे में महिला का मृत शव मिला है। बता दें कि काम करने वाली नौकरानी ने जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद नौकरानी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो देखा कि बिस्तर पर 45 वर्षीय महिला पड़ी भी मिली है, जिसके बाद से पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी दी है और इस दौरान शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है।
उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बता दें कि सिरसागंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के नैरेटिव को सही करने में सफल रही है। यूपी में देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, बिजली भरपूर मिल रही है, स्कूलों का कायाकल्प पलटा गया है, साथ ही पंचायत घर भी बने हैं। हम आर्थिक मोर्चे पर नंबर वन आएंगे। और साथ ही इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में अपराध के लिए जाना जाता था, लूट डकैती अपराध दुष्कर्म के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी, और साथ इसको लेकर वे लगातार घेरते हुए नजर आए हैं। और बता दें कि इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाना साधा है और साथ ही तमाम बातें कही है। जालौन के उड़ई कोतवाली क्षेत्र में बता दें कि मकान मालिक के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो उसने अपनी पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद से एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। जालौन में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, और साथ ही बता दें कि जालौन एसओजी पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश भूरे जाटव के पैर में गोली लग गई थी। और आपको बता दें कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिंक रोड में यह मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ने हाथ काफी बड़ी ये कामयाबी हासिल हुई है। ललितपुर में फर्जी मसाले बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल फर्जी मसाले बनाने वाली रामकिशन सा अपने ही मकान से अलग बता दे ब्रांडिंग के नामों से, अलग अलग ब्रांड के नाम से जो मसाले थे उन्हें नकली मसाले बनाते हुए पकड़ा गया है। साथ ही बता दें कि लोगों के सेहत के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ करता हुआ देखा गया है। एक कंटेनर में डिस्पोजल उतर रहा था, जिसकी सूचना नगरपालिका को मिली है, और नगरपालिका मौके पर पहुंची। जब पालिका ने डिस्पोजल डंप करने वाली जगह पर जाकर देखा तो वहां पर एक फर्जी मसाले बनाते देख संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे संबंधित आला अधिकारियों ने देखा तो पप्पू उर्फ रामकिशन साहू निवासी सेदपुर हाल निवासी पुनाड़ी अपने मकान पर ही अलग अलग ब्रांडिंग के नाम से मसाले बनाने का कारोबार कर रहा था। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से पैकिंग कराई जा रही है मसालों की। मैनपुरी के एक दावत में बता दें कि रसगुल्ले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है, दो घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बीती रात थाना कुरावली क्षेत्र के गांव बीकापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें जो मामला सामने आया है कि एक शादी थी और शादी के दौरान एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने मौसी के यहाँ गया था। तो वहां पे शादी के बाद गांव का एक व्यक्ति कुछ सामान लेके जा रहा था वहां से, तो उसने उसको टोका, क्यों चोरी कर रहे हो। उसी बात पे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लाठी डंडे चले, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अलीगढ़ में शिव तेरस के अवसर पर कावड़ लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को बियर बांटने का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर पुलिस ने संज्ञान में लिया है और आरोपी युवक को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, और मौके पर पुलिस ने बाइक को भी बरामद किया है। संभल में तमंचा और कारतूस से मजदूर को धमकाने का मामला सामने आया है। वहीं दबंगों ने मजदूर से गुंडई की है और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी है। अब देखना यह होगा कि बदमाशों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
अमेठी में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी शिवाकांत पांडे मशीनगंज के द्वारा सराहनीय कार्य की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को 2 मोटरसाइकिल से भागते समय गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में 3 अभियुक्तों ने अलग अलग जगह से 5 मोटरसाइकिल चुराने का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की गई 7 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पुरतोष तिराहे का बताया जा रहा है। और अमेठी का ये पूरा मामला बता दें आपको, जहां पर लगातार ये प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और इस दौरान एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन लगातार आरोपियों को लेकर, बदमाशों को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रही है और इसको लेकर प्रशासन ये अभियान चलाया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं अमेठी में। पीलीभीत के थाना सहरा मऊ क्षेत्र के गांव वरीक बुझिया निवासी अवतार सिंह और गुरमनु, बता दें कि गुरमुख सिंह और साथ ही बुद्ध सिंह मैरिज हॉल में शादी समारोह आए हुए थे। शादी समारोह में सब आए हुए थे और इस दौरान आरोप है कि घर वापस लौटते समय पूर्व प्रधान चेन्नई सिंह और साथ ही हरदीप सिंह, अमरदीप सिंह, हरजिंदर सिंह हिंदी और साथ ही लेखा सिंह ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद से धारदार हथियार से मारपीट हुई और इस दौरान दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। दोनों पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। सर मैं फोन कर सर बच्चे का दूध लेने आया था सर, तो सर ये लोगों ने सर आगे सर घेर लिया और सर मेरे साथ के सर कहीं रात में गए थे तो सर बूंदी पा मिल गए तो सर इन लोगों ने सर मारपीट की। उससे सर मेरे क्या नाम इनके पास सर पिस्टल थे, कृपान थी सर, चाकू थे, डंडे थे, सर उन्होंने मारपीट सर की। तो क्या गोली वगैरह गोली चली थी? किसी के लगी तो नहीं? जी सर लगी है सर, अब सर मेरे साथ वाले मुझे मिल नहीं पाए। देखिए ये थाना पूरनपुर के एक गांव के कुछ लोग हैं जो थाना माधोठांडा क्षेत्र में किसी शादी समारोह में गए थे। वहां इनके बीच में आपस में कुछ कहा सुनी पर जो जब ये लोग दोनों पक्ष अपना वापस लौट रहे थे तो थाना पूरनपुर में आसाम चौराहे पर इन लोगों की आपस में फिर लड़ाई हुई और लड़ाई में इन लोगों के आपस में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचाया गया और इनका मेडिकल उपचार कराया गया और उपचार कराने के बाद इनसे जो तहरीर मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने अभियुक्त पंजीकृत किए गए और आगे की कार्रवाई से पूछ ली। हरदोई के मलाव कोतवाली इलाके में गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा गया है। इसके 24 गौवंश मृत पाए गए हैं जबकि 8 जिंदा निकाले गए हैं। मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें जेसीबी मशीन के माध्यम से दफन कर दिया गया है जबकि जीवित गौवंश को गौशाला में छोड़ा गया है। मलाव कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर गौवंशों से भरा हुआ कंटेनर ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। और वही बता दें कि जडेजा बख्शीपुर गांव के बीच खांदी के पास बेलग्राम के तरफ से जा रही कंटेनर को गंगा स्थान पर वापस घर जा रहे तेरवा कुल्ली निवासी समाज सेवी आचार्य राम किशोर तिवारी ने संदिग्ध समझकर ट्रक का पीछा किया और अकेले होने के कारण उसका पीछा नहीं कर पाया और घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। मल्लावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक जिसका नंबर है UP 2280 1745 जो कि कन्नौज की तरफ से आ रहा था, चेकिंग के दौरान वह भागने लगा। इस पर पुलिस द्वारा उसको बाबटमऊ ग्राम के पास पकड़ा गया जिसमें ड्राइवर और क्लीनर दोनों जो है भाग गए हैं। जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी जिसमें 24 जो पशु हैं उनके अवशेष मिले हैं, लग रहा 3-4 दिन पुराने हैं और 8 जिंदा पशु मिले हैं जिसमें से 7 जो है सांड हैं। पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है, जो भी मृत पशु थे उनका पोस्टमार्टम करा करके उनकी जो विधि कार्रवाई की जा रही है उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी गाड़ी मालिक है और अन्य जो लोग हैं इनके बारे में पता लगाया जा रहा है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।